Hello guys, welcome to my channel D Daddies. I am Dia. So today I am creating this glossy makeup look with little smoky eyes. This is my first video on YouTube and I am very much nervous. So if you like the video, please subscribe to my channel for more video updates and share it with your friends. So let's check the video. So first, as a primer, I use Patanjali aloe vera gel. This is awesome as a primer. I take a little bit of this primer and dab into my face and blend it very well. I just love the foundation. After applying this primer, please leave your face 14 to 20 seconds for drying and then apply your foundation. In here, as a foundation, no, it's a foundation. I use Lakme Perfecting Liquid Foundation and I just love the foundation. This is not a full coverage foundation. I take little bit on my hands and then I dip into my face with the help of my fingers like this. Don't forget my neck areas. And then I blend it with a wet sponge like this. I take a little bit more foundation and blend it very well with my face. So I am done with my foundation and now it's my favorite eyebrows time. आईब्रोज के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ADS का आईब्रो पेंसिल एंड धीरे धीरे मैं इसको आईब्राउ में फिल करूँगी. आई डोंट फिल इट वेरी मच एंड आई डोंट ड्रॉ इट वेरी मच बिकॉज इट्स लुक वेरी ड्रामेटिक और मुझे ड्रामेटिक लुक एकदम पसंद नहीं है. सो आई जस्ट जेंटली फिल माई आईब्राउज लाइक दिस. And now time for my eyeshadow. और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये फ्लैट शेडो ब्रश एंड आई टेक दिस डार्क ब्राउन शेड फ्रॉम ओनली हाई क्वालिटी आई शेडो मेकअप पैलेट एंड आई अप्लाई इट जेंटली ऑन माई क्रीज एंड ब्लेंड इट आउट लाइक दिस. अब मैं मेरे दोनों आई शेडोज को ब्लेंड करूँगी इस फ्लफी ब्रश से बिकॉज मेरे पास ब्लेंडिंग ब्रश तो है नहीं. सो देन आई यूजिंग दिस डॉप कलर ऑन माय आउटर कॉर्नर ऑफ माय आईज और मैं इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी फॉर अ डैम स्मोकी लुक. नॉट वेरी मच, लिटिल बिट स्मोकी आईज. अब मैं फिर से इसको ब्लेंड करूँगी मेरे फ्लफी ब्रश से एंड जो डस्ट गिरी हुई है मेरे फेस पर आई शेडोज की उसको मैं मूछ लूँगी अच्छी तरह से. नाउ आई यूजिंग दिस लाइटेस्ट शेड कलर फॉर माय इनर कॉर्नर ऑफ माय आईज और मैं स्पंज से मेरा एक्सेस आई शेडोज को
हटा दूंगी पूरी तरह से. नाउ इट्स टाइम फॉर माय लाइनर एंड आई यूज लैक्मे परफेक्टिंग लिक्विड लाइनर. आई जस्ट लव द लाइनर बिकॉज इट इज सो 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 गुड एंड इट्स ऑल्सो लॉन्ग लास्टिंग एंड ये काफ़ी जल्दी सूख जाता है. नाउ इट्स टाइम फॉर माई कंटूरिंग और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का कंटूर 3D ब्लम और मैं इसके डार्कर शेड लेकर मेरे साइड फेस साइड ऑफ नोज माई फोरहेड मैंने चिक्स बोन सब कुछ कंटूर करूँगी लाइक दिस. एंड कंसील के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ADS का कंसीलर और मैं इसको अंडर आईज अपर नोज अंडर माई नोज एंड माई चिक्स पे भी अप्लाई करूँगी आई मीन चिन पे भी अप्लाई करूँगी. एंड इस वेट स्पंज से मैं पूरे मेरे कंटूर और कंसील को ऐसे ब्लेंड कर पाउडर को मैं पूरे फेस के फाउंडेशन और कंसीलर को सेट करने के लिए अप्लाई करूंगी इस प्रॉपर ब्लेंडिंग ब्रश से. नाउ मैंने ओले पैलेट से सेम डार्क ब्राउन कलर लेकर मेरे पाउडर कंटूरिंग स्टार्ट करूंगी लाइक दिस. और फिर से मैं लाइनर को लेके मेरे आईज कॉर्नर को ठीक ठाक से फिक्स करूँगी ताकि ये बहुत सुंदर दिखे. नाउ मैं ये शिमरी वाइट शेड लेके मेरा इनर कॉर्नर्स ऑफ माय आईज माय ब्राउ बोन्स एंड माय चिक्स पे हाईलाइट करूंगी एंड आई जस्ट लव हाईलाइटिंग आई लव एवरीथिंग अबाउट मेकअप इट्स लुक वेरी 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 ग्लॉसी. नाउ आई एम डन विथ माई हाईलाइटिंग. लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कलर ब्लास्ट मॉइस्चराइजिंग लिपस्टिक एंड आई यूज दिस लिपस्टिक ब्रश इसको तो लिपस्टिक ब्रश ही बोलते हैं आई डोंट नो एंड फॉर एंड आउटलाइन कर रही मैं इससे लाइक दिस एंड आई लिपस्टिक को मैं फिल करूँगी इस तरह से. तो आई एम डन विद माई मेकअप लुक. सो आज यही था मेरा मेकअप लुक एंड इट्स ऑल्सो अ पार्टी मेकअप लुक एंड ऑल्सो इंडियन वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स इट फॉर टुडे. बाय बाय गाइस सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड लव यू ऑल.